This video is basically for beginners, that is for class 11th and 12th or medical students who never had mathematics as their subject in class 11th or 12th, but has to understand the concepts of differentiation and integration, because these two concepts are very useful in physics. Not only for medical students, but this video will also be helpful for students of BSc, BScG, BCom, BCA, etc. आज का अपना टॉपिक हम सबसे बेसिक चीज़ मैथमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो मैथमेटिक्स में हम डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ते हैं जो कि डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर आते हैं, जैसे कि एलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अर्थमेटिक एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। ऐसी कई ब्रांचेस होती हैं मैथमेटिक्स की, जिनमें से एक ब्रांच है कैलकुलस। कैलकुलस मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम पर्टिकुलरली चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। मीन्स कैलकुलस इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अ पर्टिकुलर मैथड और सिस्टम ऑफ कैलकुलेशन और रीजनिंग। तो कैलकुलस को हम टू पार्ट्स में पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, एंड द सेकेंड वन इज इंटीग्रल कैलकुलस। तो ये दो पार्ट्स हैं जिसमें हम कैलकुलस को पढ़ते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस को हम डिफरेंशिएशन भी कहते हैं, डिफरेंशिएशन, एंड इंटीग्रल कैलकुलस को हम इंटीग्रेशन भी कहते हैं। ये दोनों ही प्रोसेस होते हैं। स्टडी ऑफ चेंज आता है डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर, जबकि एडिंग अप द पार्ट्स आता है इंटीग्रेशन के अंदर। इसमें हम पार्ट्स को ऐड करके कैलकुलेट करते हैं। नाउ डिफरेंशिएशन में फाइंडिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन, मीन्स इसमें हम एक फंक्शन का रेट ऑफ चेंज निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन, किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में। जबकि इंटीग्रेशन में, मीन्स इंटीग्रल कैलकुलस में, हमें क्या करना होता है, फाइंडिंग ओरिजिनल फंक्शन हुज रेट ऑफ चेंज इज गिवन टू अस। ओरिजिनल फंक्शन को फाइंड आउट करना होता है जिसका रेट ऑफ चेंज हमें ऑलरेडी गिवन होता है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज इज गिवन, ठीक है। तो अब हम दोनों को रियल लाइफ एक एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज एक कार है जिसकी हमने डिफरेंट टाइम इंटरवल पर स्पीड देखी, जिससे हमने कार की वेलोसिटी निकाल ली। एग्जैक्टली ऐसे ही डिफरेंशिएशन में भी होता है, जबकि इंटीग्रेशन में वेलोसिटी हमें ऑलरेडी गिवन होगी, चेंज इन स्पीड निकालनी होगी। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन में डिफरेंस ऐसे होता है जैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में होता है। सपोज हमारे पास 2 गिवन है, हमने इसका 2 स्क्वायर किया, मीन्स 2 इंटू 2, हमारा आंसर आया 4। ऐसे होता है डिफरेंशिएशन में। इंटीग्रेशन में 4 ऑलरेडी गिवन होगा, इसका अंडर रूट करेंगे 4, 2 इंटू 2, अंडर रूट में आंसर आ गया 2। तो देखा हमने कैसे 2 एंड 2 सेम आ गए। सो आज हम सिर्फ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम कुछ रूल्स देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन, जैसा कि हमें पता है डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस होता है। हमें क्वेश्चन में गिवन होगा डिफरेंशिएट दिस, हमें एक चीज को डिफरेंशिएट करना होगा, तो हमें इस प्रोसेस से डिफरेंशिएट करना है, मतलब हमें डिफरेंशिएशन करना है। एंड लास्ट में जो हमारा आंसर आएगा वो क्वेश्चन का डेरिवेटिव होगा। तो कई लोग डिफरेंशिएशन एंड डेरिवेटिव में कंफ्यूज होते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है। तो डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है, जबकि जो एंड में हमारा आंसर आता है वो डेरिवेटिव होता है। सो हमारा रूल 1 है पावर रूल। जब भी हमें डिफरेंशिएशन करना हो और वेरिएबल की कुछ ना कुछ पावर गिवन हो, तो हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में क्वेश्चन गिवन होगा डिफरेंशिएट एक्स की पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हमें एक्स की पावर एन को डिफरेंशिएट करना है। तो इसमें कैसे करते हैं, जो भी हमारा क्वेश्चन होगा उसको हम लिखेंगे डी एक्स की पावर एन, नीचे भी डी। अब क्योंकि हमें एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, तो नीचे एक्स आ जाएगा, डी एक्स की पावर एन अपॉन डी एक्स। इट मीन्स हम इसको अब डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएट करने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, मीन्स एन आगे लिखेंगे हम, एक्स एज इट इज रहेगा, और इसकी पावर 1 कम हो जाती है, मीन्स एन माइनस 1 हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन देखते हैं।
So our question is that differentiate x to the power 4 with respect to x. तो हम क्या करेंगे d x की पावर 4 अपॉन dx, इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, 4 आगे आ जाएगा, x 4 की x की पावर 4 माइनस 1 मीन्स 4 x की पावर 4 में से 1 गए 3, तो 4x क्यूब हमारा x की पावर 4 का डेरिवेटिव है और ये जो हमने पूरा प्रोसेस किया ये डिफरेंशिएशन है. Now our second question is that differentiate y square with respect to y. तो इसमें हम क्या करेंगे d y square नीचे d, अब हमें क्योंकि y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो नीचे y लिखेंगे. अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए 2 आगे आ जाएगा, y as it is 2 minus 1 means 2y, 2 minus 1 means y की पावर 1 है तो हम इसको सिंपली 2y लिख सकते हैं, means y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y हुआ और ये पूरा हमारा डिफरेंशिएशन था. एक और क्वेश्चन देखते हैं. देखो अब हमें थर्ड क्वेश्चन में कहा है डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे कुछ पावर है ही नहीं, तो कुछ पावर नहीं है तो हम इसकी पावर को 1 लेट कर सकते हैं, मीन्स x की पावर 1. अब इसको हम डिफरेंशिएट करें तो dx अपॉन में d x के रिस्पेक्ट में करना है तो x लिखेंगे, ठीक है. अब एक तो ये सिंपल 1 हो जाएगा कट के, लेकिन इसको हम इसी तरीके से करते हैं तो क्या करेंगे, पावर आगे आएगी 1, x एज इट इज रहेगा, इसकी पावर ऑलरेडी 1 थी, हमें लेस करना है 1, मीन्स 1 x 1 माइनस 1 0. अब किसी की भी पावर 0 होती है तो हमें पता है वो पूरी चीज 1 बन जाती है, मीन्स 1 इंटू 1 बन जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 1. तो कभी भी किसी चीज को उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं जब उसकी कुछ भी पावर ना दी हो तो हमेशा 1 होता है. डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू y 1, डिफरेंशिएट z विद रिस्पेक्ट टू z 1, ऐसे होता है. Now rule number 2 is constant multiple rule. इसमें हमें ऐसे given होगा differentiate, ये c यहाँ पे constant को show कर रहा है, means x की power n तो same होगा लेकिन इसके आगे कुछ ना कुछ constant value होगी, means 1, 2, 3, 100 कुछ भी हो सकता है with respect to x. तो ऐसे questions को कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में हमें c मींस कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड पे बाहर लिखना है, dx की पावर n अपॉन dx, सेम जैसे रूल नंबर 1 में किया था, जो कांस्टेंट है वो एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो इधर वाली वेरिएबल वाली चीज है वो जैसे हमने पावर रूल में पढ़ा था वैसे ही होगा, n आगे आएगा और पावर n माइनस 1 हो जाएगी, जितनी भी पावर है एक कम हो जाएगी. तो इसके भी क्वेश्चंस करके देखते हैं कुछ. क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएट 2x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x. 2x स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर लिख देंगे, dx स्क्वायर अपॉन dx, x स्क्वायर को हम डिफरेंशिएट करना जानते हैं, अभी अभी हमने पावर रूल में सीखा, 2 आगे आ जाएगा, x की पावर 1 कम हो जाएगी, तो ये 2 कांस्टेंट वाला 2 और ये 2 पावर जो आगे आई है, 2 2 4 x, 4 x इसका डेरिवेटिव हो गया. क्वेश्चन 2, डिफरेंशिएट 3x विद रिस्पेक्ट टू x. 3x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dx by dx अभी हमने ऊपर देखा 1 हो जाता है, तो 3 into 1 3, 3 is derivative of 3x. Now rule number 3, constant function rule. इसमें हमें सिर्फ एक कांस्टेंट फंक्शन दिया होगा, 1, 2, 3, 4, 100 कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसे हमें डिफरेंशिएट करना है, मतलब डिफरेंशिएट अ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल, विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी हो सकता है. तो इसमें कैसे करते हैं, सपोज एक क्वेश्चन दिया है डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, 1 को हमें डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या लिखेंगे, 1 को हम लिख सकते हैं x की पावर 0, भाई किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो तो वो 1 हो जाता है, मतलब x की पावर 0 को 1 कह सकते हैं, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है. अब हम इसको लिख सकते हैं d अपॉन dx क्योंकि x के रिस्पेक्ट में है, नाउ जो 0 है पावर ये आगे आ जाएगी, x की पावर 0 माइनस 1 हो जाएगी, 0 मल्टीप्लाइड है x की पावर माइनस 1 से, किसी भी फंक्शन से किसी भी चीज से 0 मल्टीप्लाई होता है तो वो पूरी चीज 0 हो जाती है, मतलब 0 आ जाएगा. एक और क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंशिएट 100 विद रिस्पेक्ट टू x. तो इसमें हम 100 को लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाइड बाय 1, 100 बाहर आ जाएगा, 1 को हम लिख सकते हैं x की पावर 0, d by dx ऑफ x की पावर 0, 100 सेम रहेगा, x की पावर 0 का डिफरेंशिएशन करना हम जानते हैं, ये पूरी वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, सो डेरिवेटिव ऑफ एनी कॉन्स्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज 0.
ये सिर्फ समझाने के लिए था कि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। जब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली जहाँ पे भी कांस्टेंट आएगा उसका डेरिवेटिव जीरो लिख देंगे, क्योंकि ये बात यूनिवर्सल है। डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो, हमेशा ही जीरो रहेगा। तो ये बार बार करके दिखाने की जरूरत नहीं है, हम हमेशा उसमें जीरो लिख देंगे जहाँ पे भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव पूछेगा। नाउ रूल नंबर 4 इज सम रूल। इसको हम डायरेक्टली क्वेश्चन से समझते हैं। डिफरेंशिएट 2x² प्लस 3x विद रिस्पेक्ट टू x। ये सम दिख रहा है हमें, बीच में प्लस का साइन है, हमें इस पूरे को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो इसको कैसे करेंगे? सिंपल है, प्लस का साइन एज इट इज नीचे उतार देना है। 2x² में 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर लिखेंगे, dx² अपॉन dx। 3x में 3 कांस्टेंट है बाहर लिखेंगे, dx अपॉन dx। 2 कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, 2x का डेरिवेटिव 2 आगे आ जाएगा यानी कि 2x बीच में मल्टीप्लाई, प्लस 3 सेम, dx by dx 1 होता है। 2 2 4x प्लस 3 1 3 मीन्स 2x² प्लस 3x का डेरिवेटिव होता है 4x प्लस 3। तो ऐसे हमें सम रूल करने हैं, ये सबसे इजी रूल था। नाउ रूल नंबर 5 इज प्रोडक्ट रूल। इसको भी हम डायरेक्टली क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन है x² ब्रैकेट में x प्लस 4, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। हमें पता है दोनों चीजें प्रोडक्ट में है, तो हम लेट कर सकते हैं एक को u और एक को v। u या फिर v, इनके अलावा भी आप कुछ भी लेट कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर u और v ही लेट किया जाता है, इसलिए इस रूल को uv रूल भी कहा जाता है। इजीली याद रखने के लिए कि जहाँ पे भी प्रोडक्ट आएगा वहाँ पे uv रूल लगेगा, मीन्स प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो रूल हमारा सिंपल सा ये कहता है कि हमें पहले फर्स्ट वाली चीज को एज इट इज लिखना है, मीन्स u ऐसे के ऐसा लिख देंगे। सेकेंड वाली चीज का डिफरेंशिएशन लिखना है, मीन्स डेरिवेटिव v डैश लिखते हैं हम इसको, प्लस सेकेंड वाली चीज को एज इट इज उतार देंगे और फर्स्ट वाली का डेरिवेटिव लिखेंगे। ये कैसे होता है अब देखते हैं हम। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, u सेम dv अपॉन dx। अब नीचे x इसलिए लिखा क्योंकि हमें x के रिस्पेक्ट में ही करना है, u और v तो जस्ट हमने लेट किए हैं वैल्यूज, प्लस v सेम du अपॉन dx। अब इसी क्वेश्चन को हम करें तो सबसे पहले u मीन्स x² सेम रहेगा, dv अपॉन dx मतलब इस वाले का डिफरेंशिएशन करना है हमें, d अपॉन dx ऑफ x प्लस 4, प्लस v सेम रहेगा मीन्स x प्लस 4 सेम रहेगा, d अपॉन dx ऑफ फर्स्ट वाला मीन्स x² सो x² सेम उतार लेंगे। d बाई dx ऑफ x प्लस 4 क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 4 का 0, प्लस x प्लस 4 सेम रहेगा, x² का डेरिवेटिव 2x, x² इंटू 1 x² हो जाएगा, प्लस x प्लस 4 इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2x से तो 2x² प्लस 4 2 8x। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे 3x² प्लस 8x, तो ये हमारा डेरिवेटिव आ गया। इसी तरीके से प्रोडक्ट रूल करते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफरेंशिएट x रूट x विद रिस्पेक्ट टू x। देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा है लेकिन बिल्कुल भी टफ नहीं है, ये इजीली हो जाएगा। हमें सेम प्रोडक्ट रूल मीन्स यूवी रूल लगाना है। x को हम u मान लेंगे, रूट x को v मान लेंगे, या फिर मानना भी नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है कि हमें मानना है, हम डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले x सेम रहेगा, d by dx ऑफ रूट x हो जाएगा, प्लस रूट x सेम रहेगा, d by dx ऑफ x हो जाएगा। रूट x को हम क्या लिख सकते हैं, रूट का मतलब x की पावर हाफ लिख सकते हैं हम, तो x को हम सेम लिखेंगे, x की पावर हाफ है तो 1/2 आगे आ जाएगा, x की पावर 1/2 माइनस 1 हो जाएगा प्रोडक्ट रूल के हिसाब से, प्लस x की पावर 1/2 इंटू dx/dx 1 होता है। x सेम लिखेंगे 1/2, इसको अगर हम माइनस करेंगे 1 में से हाफ गया तो हाफ आएगा और माइनस का साइन 1 के साथ है, 1 बड़ा है इसलिए माइनस आगे आ जाएगा, प्लस x की पावर 1/2। अब क्योंकि पावर नेगेटिव में है तो इसको हम नीचे ले जाके पावर पॉजिटिव कर सकते हैं, 1 इंटू एक्स सेम रहा, x नीचे आ गया और पावर 1/2 हो गई, नीचे 2 सेम, प्लस x की पावर हाफ, 1 इंटू एक्स 2, x की पावर हाफ मतलब अंडर रूट x लिख सकते हैं, प्लस अंडर रूट x, तो ये हमारा डेरिवेटिव हो गया x रूट x का। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें प्रोडक्ट रूल के क्वेश्चन करने हैं। अब एक लास्ट रूल है हमारा, उसको फटाफट से देख लेते हैं।
सो रूल नंबर 6 इज क्वोशेंट रूल। इसमें क्या करना होगा, जब हमें डिवाइड में चीज दी होगी, मतलब एक न्यूमरेटर होगा एंड एक डिनोमिनेटर होगा, और हमें उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा, तो हम कैसे करेंगे इसको? हम सिंपली लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, या फिर न्यूमिनेटर को शॉर्ट में एन की पावर आर और डी आर लिख रखा है मैंने यहाँ पे। तो आप देखते हैं कैसे होते हैं। सो फॉर्मूले के हिसाब से हमें पहले डिनोमिनेटर को सेम उतारना है। डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिरेटर मीन्स न्यूमिरेटर का डेरिवेटिव लिखना है माइनस न्यूमिरेटर सेम डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, और पूरे के अपॉन में डेरिवेटिव का स्क्वायर जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा। फॉर्मूला थोड़ा सा दिखने में अजीब है पर सिंपल है। जैसे हमने पिछले प्रोडक्ट रूल में न्यूमिरेटर आगे लिखा फिर डिनोमिनेटर बीच में प्लस लगाया, तो सेम कुछ ऐसा ही है, बस इसमें डिनोमिनेटर को आगे लिखना है डेरिवेटिव न्यूमिरेटर का माइनस फिर न्यूमिरेटर सेम और डेरिवेटिव का डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव और नीचे डेरिवेटिव का स्क्वायर कर देना है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं फिर ये रूल हमें इजी लगेगा बिल्कुल। सो आवर क्वेश्चन इज दैट डिफरेंशिएट 2x स्क्वायर अपॉन 3x प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x। हमें इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे करेंगे? सेम फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम उतारेंगे मीन्स 3x प्लस 1 सेम उतरेगा। डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर मीन्स d बाय dx ऑफ 2x स्क्वायर माइनस न्यूमिरेटर सेम मीन्स 2x स्क्वायर सेम रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर मीन्स d बाय dx ऑफ 3x प्लस 1 और पूरे के अपॉन में डेरिवेटिव का स्क्वायर मीन्स 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब जस्ट हमें इसे सॉल्व करना है। 3x प्लस 1 सेम लिखेंगे, 2x स्क्वायर है तो 2 सेम पावर आगे आएगी और x ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर सेम लिखेंगे। 3x प्लस 1 का डेरिवेटिव 3x का करेंगे तो 3 आएगा, 1 का तो 0 ही आएगा क्योंकि कांस्टेंट है। अपॉन में नीचे वाला सेम रहेगा, इसका हमें कोई डेरिवेटिव नहीं करना है। तो अब 3x प्लस 1 हमने सेम लिखा, 2 2s 4x माइनस 3 2s 6x स्क्वायर हो गया। 4x को दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई किया, 4 3s 12x प्लस 4x माइनस 6x स्क्वायर एज इट इज उतार दिया। नीचे भी सेम रहेगा, यहाँ पे 12x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर है तो माइनस हो जाएंगे, 12 में से 6 गए, 6x स्क्वायर प्लस 4x अपॉन 3x प्लस 1 स्क्वायर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड डेरिवेटिव हो गया 2x स्क्वायर अपॉन 3x प्लस 1 का। ठीक है, तो ऐसे ही क्वोशेंट रूल होगा। आज के 6 रूल थे, 6 के 6 हमारे कंप्लीट हुए। आई होप आपको समझ आए होंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे ये 10 क्वेश्चंस लिखे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। आप इन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनके आंसर्स निकाल सकते हैं, और अगर आपका मन करे तो कमेंट बॉक्स में आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक भी कर दो। बाय बाय।